असलकम स्टूडेंट्स इम्पेक्ट इन्वेस्टिंग से मुराद वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें फाइनेंशियल रिटर्न के बियॉन्ड कोई इम्पेक्ट क्रिएट किया जा सके ऑफकोर्स ये इम्पेक्ट सोशल होगा या इन्वायरमेंटल होगा जो ट्रेडिशनल चैरिटी है जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में जिक्र किया वो गिफ्ट है वो इंडिविजुअल डोनर्स या ऑर्गनाइजेशंस माशरे की बेहतरी के लिए इन्वामेंट को इम्प्रूव करने के लिए दे देती हैं और उसमें उनका हो सकता है एक पर्सनल कमिटमेंट हो उस कॉज के साथ उस ईशू के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर हो कभी ज़िंदगी में उन्होंने वो प्रॉब्लम सफ़र किया हो मुख्तलिफ मोटिव्स हो सकते हैं वो गिफ्ट देने में माशरे को थ्रू सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो इम्पेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली इसमें मिनिमम रिटर्न जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एटलीस्ट इम्पेक्ट इन्वेस्टर को वापस करना होती है इम्पेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं उनका मोटिव फिल्म्रोपिस से मिलता जुलता है कि वो किसी सोशल कॉज को बढ़ाना चाहते हैं वो अपने रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं उस सोशल कॉज के लिए लेकिन वो वो पैसे दे के उनसे फारग नहीं हो गए सोशल एंटरप्रेन्योर आज़ाद नहीं है कि उन्हें जहाँ जिस तरह चाहे खर्च करे उसमें आइडिया ये है कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उन्होंने पैसे जितने दिए हैं कम अज़ कम उतने पैसे वापस हों ताकि वो उसे किसी और कॉज के लिए किसी और जगह पर खर्च कर सकें यूजली इम्पेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एंटरप्रेन को टेक ऑफ करने के लिए वो सीड मनी भी हो सकती है वो स्टार्टअप स्टेज पर या फिर जब स्केलिंग अप करना होती है उस स्टेज पर भी हो सकती है बाजूकत एंटरप्रेन्योर्स के पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं लेकिन कोई मनी नहीं है ऐसे में इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स अगर उनके आइडिया का पोटेंशियल इम्पैक्ट देखते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं कि अगर उनकी प्रिंसिपल अमाउंट उन्हें वापस मिल जाएगी तो काफ़ी है लेकिन इम्पैक्ट चूंकि ज़्यादा है तो वो ये अपनी रकम ब्लॉक करने को तैयार हैं जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली वो रिटर्न और उसमें फाइनेंशियल, सोशल और एनवायरमेंटल रिटर्न को एक आम इन्वेस्टर की नस्बत थोड़ा मुख्तलिफ़ देखते हैं रिसेंटली जो एक रिपोर्ट एक में दो तरह की टर्म्स यूज़ की गई हैं इंपैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक फाइनेंशियल फर्स्ट इन्वेस्टर्स हैं और एक इंपैक्ट फर्स्ट इन्वेस्टर्स हैं फाइनेंशियल फर्स्ट इन्वेस्टर्स वो लोग है, वो हैं वो इन्वेस्टर्स हैं जो एक मिनिमम रिटर्न के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उसके साथ साथ जो उन्हें उनका रेट मिलेगा रिटर्न का उसके साथ एक फ्लोर या कम अज़ कम जो सोशल इम्पेक्ट है वो भी क्रिएट होगा अमूमन इस किस्म की फ़ंडिंग जो है वो कॉरपोरेशंस या जो इम्पेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो लोग करते हैं जो किसी सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट तो करना चाहते हैं लेकिन सोलली सोशल कॉज के लिए नहीं बल्कि वो अपना फाइनेंशियल रिटर्न जो है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं यह फाइनेंशियल रिटर्न जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी पे लेके मार्केट रिटर्न रेट जो है उस तक हो सकता है कि मिनिमम प्रिंसिपल अमाउंट वापस की जाए लेकिन उस पर जितना ज़्यादा रिटर्न आ सके सोशल एंटरप्रेन्योर जितना ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके वो बेहतर है जबकि इसके मुकाबले में जो इम्पैक्ट फर्स्ट इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर वापस आ जाए लेकिन इम्पैक्ट इतना हो सोशल इम्पैक्ट या इन्वामेंटल इम्पैक्ट इतना हो कि उसको जस्टिफाई किया जा सके तो उनके लिए ये काफ़ी है आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट जो है या इम्पैक्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रांट्स के काफ़ी करीब है ग्रांट्स पे अगर चाहे वापसी नहीं है लेकिन बहरहाल उसकी अकाउंटेबिलिटी है इसी तरह इम्पैक्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट की सिर्फ वापसी है लेकिन साथ सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो डिमॉन्सट्रेट करना है जो सोशल uh, एंटरप्रेन्योर है उसको डिसाइड करना है अपने आइडिया और अपनी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कि उसको किस किस्म की इम्पेक्ट इन्वेस्टमेंट की अप्रोच uh, करना है चूंकि जो ट्रेडिशनल फिल्म और ग्रांट्स जो हैं वो बहुत कम्पटिव हो गए हैं उसके लिए मुकाबला बहुत ज़्यादा है तो सोशल एंट्रप्र्योर्स इनक्रीजिंगली इम्पेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं या इम्पेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ गई है इसमें एक बात जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी भी स्टेज पर अमूमन होता क्या है कि जब आप ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल रिटर्न और सोशल और एनवायरमेंटल इम्पेक्ट तो वो मुश्किल हो जाती है सो so, बाजूकत आप मिशन लूज़ कर देते हैं कि आपको चूंकि वो पैसे वापस करने हैं तो बिज़नेस एक्टिविटी पर तोजह ज़्यादा हो जाती है जो सोशल और गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी इफेक्ट होती है प्रोडक्शन भी इफेक्ट होती है डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो भी इफ़ेक्ट होती हैं नतीजा आप वो उतना इम्पेक्ट या उतनी वैल्यूडिशन सोसाइटी में नहीं कर सकते जितना के आपका जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ है उन्होंने एम किया था या जितना उसकी इंटेंशन थी दूसरी तरफ अगर आपका टोटल फोकस जो है वो सोशल और एनवायरमेंटल मिशन पर हो जाए तो आपका जो इम्पेक्ट इन्वेस्टर है वो इसको ज़ाहिर एफोर्ड नहीं कर सकता उसको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट कम अज कम वापस चाहिए इम्पेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि एक नया वेन्यू है एक नया मौका है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ख़ास तौर पर जो ग्रांट्स और फंडिंग फटीग फिल्म्रापी में हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप की जो ट्रू स्परट है कि उसमें इनकम अर्न करनी है एक्सेस रेवेन्यू जनरेट करना है और साथ साथ सोशल कॉज को आगे बढ़ाना है ये उसके मुताबिक है थैंक यू